मैनेजमेंट के पार्ट पे जो उसका पिलर है, मैनेजमेंट पिलर है, मैनेजमेंट के पार्ट पे जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी बात हो रही थी। तो मैनेजमेंट ने बेसिकली प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज करना है, मतलब जितने भी रिसोर्सेज देने हैं, चाहे वो हार्ड फॉर्म में रिसोर्सेज हो, मीन टू से फर्नीचर की रिक्वायरमेंट हो, फैन की रिक्वायरमेंट हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट हो, फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट हो, मॉनेटरी फंड्स की, पैसों की रिक्वायरमेंट हो, व्हाट्स एवर, ईच एंड एवरीथिंग ए टू जी मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, सीईओ और बॉस ऑफ द इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग की बात आती है कि जो ऑर्गेनोग्राम डेवलप किया है, जो एक टीम बिल्ड की है, उस टीम में जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल को चेक किया जाएगा, दैट द पर्सनल हैव रेलेवेंट कॉम्पिटेंसीज और नॉट, सो दे मस्ट बी सेंट टू डिफरेंट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू टू डेवलप और मेंटेन देयर कैपेसिटी ऑन द रिलेटेड मॉड्यूल्स ऑफ फूड सेफ्टी और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। देन उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड जा सकती हैं, वर्क स्टेशन और मैनेजेरियल स्किल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड जा सकती हैं, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के डिफरेंट मॉड्यूल्स पे, न्यूट्रिशन या हलाल, व्हाट्स एवर जो भी प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड या रेलिवेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी जो जो कॉम्पिटेंसीज है उनको सेस करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के क्विजेज, मुख्तलिफ किस्म के जो मॉड्यूल्स फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं, जस्ट उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, उनके ऊपर मॉनिटरिंग को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो टीम के अंदर रहते हुए प्रोडक्टिव साबित हों उस प्रोजेक्ट के लिए। बाद प्लानिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ सेफ प्रोडक्ट्स। अब प्लानिंग में क्या है, तमाम चीज़ों के बारे में एक प्लान डेवलप करना है कि हमारी प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगी, प्रोडक्ट की नेचर क्या होगी, ठीक है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन पैरामीटर क्या होगा, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कंट्रोल मैयर्स कहाँ कहाँ पे, चेक एंड बैलेंस हैसअप को कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, हैसअप के 7 स्टेप्स कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट को किस तरीके से, किस वे में और किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, एक रोड मैप डिज़ाइन किया जाएगा प्लानिंग के लिए, फिर डॉक्यूमेंटेशन की कितनी किस्म होंगी, कौन सा डॉक्यूमेंट किस स्टेज पे इंप्लीमेंट होगा, सीसीपीज कैसे डिफाइन होंगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल साल्ट की प्रोडक्शन यूनिट आप उसमें ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे सीसीपीज कहाँ पे लगेंगी, डेयरी इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे सीसीपीज लगेंगी, व्हाट्स एवर, ईच एंड एवरी एक्टिविटी मस्ट बी रिटन एंड एक उसका प्रॉपरली रोड मैप और आउटलाइन ड्रॉ करनी है, ताकि हमें पता हो कि हमने किस सम को जाना है, क्या क्या हमने चीज़ों को, किन चीज़ों को इन एक्शन परफॉर्म करना है। तो जहाँ तक बात है प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स की, ठीक है, तो वो पीआरपीज और उसके बाद ओपीआरपीज हैं, जिनको हम ऑपरेशनल ओपीआर ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स बोलते हैं। ठीक है, तो पीआरपीज में क्या होता है, कंट्रोलिंग द लाइकलीहुड ऑफ हैजर्ड्स थ्रू वर्क इन्वायरमेंट, देन कंट्रोलिंग बायोलॉजिकल फिजिकल एंड केमिकल कंटेमिनेशन, इन तमाम इश्यूज को हमने एड्रेस करना है, उन पे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स लगाने हैं, इनको हम पीआरपी और ओपीआरपी की सेंस में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो जो पीआरपीज हैं बेसिकली वो डील करती हैं पर्सनल हाइजीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस प्रोग्राम्स, तमाम रिलेटेड इश्यूज को डिस्क्राइब करती हैं। इसके अलावा जो ओपीआरपीज हैं वो एक्चुअल में जो ऑपरेशनल मैकेनिज्म है उसको वो डिफाइन करती हैं, उसमें जो भी इश्यूज हैं और जो एनोमलीज हैं या नॉन कंफॉर्मसीज हैं उनको वो एड्रेस करती हैं। ठीक है, अब हम आईएसओ टेक्निकल सबक्लास 22002-1 दैट बेसिकली डील्स विद द पीआरपीज ऑन फूड सेफ्टी, इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें ईच एंड एवरीथिंग अदर देन ओपीआरपी इज इन्वॉल्व, लाइक हमें एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी, हमें एक फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी, अब उसके लिए देखा जाएगा, जगह सेलेक्ट की जाएगी, बिल्डिंग तमीर की जाएगी, फिर उससे पहले हमें देखना है कि किस जगह पे, किस लोकेलिटी पे, किस इन्वायरमेंट में तलका इंडस्ट्री को हमने लगाना है। फॉर एग्जांपल हमने डेयरी का सेटअप इंस्टॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले उस इन्वायरमेंट का जायजा लेंगे कि आइदर उस एरिया में कहीं पोल्ट्री प्रोसेसिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि आपको पता है पोल्ट्री से बहुत ज़्यादा क्रॉस कंटेमिनेशन होती है, वहाँ से सालमोनेला का इशू हो सकता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, लोकेशन को देखना है, वहाँ का जो पानी है, वहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखना है, यूटिलिटीज़
एयर वाटर एनर्जी को देखना है, फिर बिल्डिंग को कैसे डेवलप किया जाएगा, बिल्डिंग का लेआउट प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तमाम चीज़ें, बिल्डिंग के अंदर जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स और फिटिंग्स हैं वो कैसी होंगी, फिर लेआउट ऑफ प्रेमिसेस और वर्क स्पेस, वर्क स्पेस में जितने भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक उसमें एक ISO का स्टैंडर्ड है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ISO 14001 और SAS, उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटीज जहाँ पे चाहिए, लाइक इक्विपमेंट्स की फैसिलिटीज हैं, मशीन्स, ऑपरेशन से रिलेटेड, फिर लैब की फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टोरिंग ऑफ पैकिंग मटेरियल हमें चाहिए होगा, इंग्रेडिएंट्स की स्टोरेज के लिए हमें स्पेस चाहिए, तो स्टोरेज हाउस, वेयर हाउस बिल्डअप करना है, वहाँ पे फीफो का प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी चीज़ कैसे मैनेज की जाएगी। उसके बाद जो फूड केमिकल्स, नॉन फूड केमिकल्स, फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स, उनकी मैनेजमेंट, उनकी वेयर हाउसिंग, उनकी स्टोरेज कैसे करनी है, तमाम चीज़ों को एज इट इज देखना है। फिर वहाँ पे देखा जाएगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लाइक एयर क्वालिटी कैसी है, वेंटिलेशन के क्या मामलात हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों को भी एड्रेस किया जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट 1 मिनट की ब्रेक लेंगे, अजान का टाइम है, फिर 1 आधे मिनट के बाद हम इधर से स्टार्ट करेंगे। पार्टिसिपेंट्स आप मुझे सुन सकते हैं? जी ओके जी, जी तो सर, जी सर, समझ हम बात कर रहे थे जितने भी प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स हैं उनको हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ईच एंड एवरीथिंग अदर देन OPR इज इंक्लूडेड इन प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। उसके बाद एयर क्वालिटी और वेंटिलेशन है, लाइक वर्कर्स के काम करने के लिए जो भी स्पेस है दैट इज अलाउएबल और नॉट, ठीक है, प्रॉपर वहाँ पे इन्वायरमेंट है कि नहीं, आइदर वहाँ पे कोई ऐसे फ्यूम्स तो नहीं है, कोई ऐसा इशू तो नहीं है जिसमें वर्कर्स की सेफ्टी दाव पे लग जाएगी या उनको वर्किंग का कंडिसिव इन्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को एड्रेस किया जाना है। देन उसमें लाइटिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, बिल्डिंग के अंदर कहाँ कहाँ पे लाइट होगी, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा कि वहाँ पे जो नेचुरल लाइट है वो प्रॉपरली उसे बेनिफिट ले सकें। फिर वेस्ट डिस्पोजल का मैकेनिज्म क्या होगा, बिल्डिंग के जो भी प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के दौरान जो भी रॉ मटेरियल की वेस्ट सॉरी रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग के दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसकी डिस्पोजेबल कैसे होगी, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा, देन वेस्ट मैनेजमेंट और उसकी रिमूवल कैसे की जाएगी, डस्टबिन की रिक्वायरमेंट होगी, डस्टबिन को कहाँ पे रखना है, इसके लिए प्रॉपर मैपिंग डिजाइन होगी, ठीक है, उसके लिए पेपर वर्क होगा, मैप डिजाइन होगा, उसके अकॉर्डिंग डस्टबिन को मुख्य स्टेजेस पे रखा जाएगा। देन उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम की जो भी बेसिक चीज़ें उनको देखा जाएगा, उनको एड्रेस किया जाएगा, लाइक ड्रेनेज सिस्टम, लाइक अगर डेयरी या जूस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, उसकी भी एक मैपिंग डिज़ाइन होगी कि कहाँ कहाँ पे ड्रेनेज होगा, और ड्रेनेज की प्रॉपर मेंटेनेंस, उसकी सफाई सुथराई कैसे करनी है, ड्रेनेज ड्रेंचेज मस्ट बी ऑटो और सेल्फ ड्रेनिंग, मतलब उसमें कोई लिक्विड बहाया जाए कोई चीज़ तो वो ऑटोमेटिकली सेल्फ ड्रेनिंग हो, ऐसे नहीं है कि पीछे से आप किसी प्रेशर से उनको ड्रेन आउट करें। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है। फिर ड्रेन का जो है वो उसकी सफाई सुथराई, उसमें कैसे लिक्विड्स किस तरह की लिक्विड्स के साथ उनकी सफाई सुथराई की जाएगी, ठीक है, हर चीज, ईच एंड एवरी थिंग मस्ट बी रिटन डॉक्यूमेंटेड एंड एज पर दी स्टैंडर्ड। फिर इक्विपमेंट सूटेबिलिटी, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस है, फिर इसमें CIP का है, CIP में कौन कौन से सोल्यूशन, कैसे CIP का सोल्यूशन प्रिपेयर होगा, कैसे CIP को परफॉर्म किया जाएगा, इक्विपमेंट का डिज़ाइन क्या होगा, स्ट्रक्चर, उसकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड इश्यूज, फिर उसमें जो इक्विपमेंट है उसका मटेरियल क्या होगा, लाइक फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दी इक्विपमेंट मस्ट बी फूड ग्रेड, और ख़ास तौर पे SS316 ग्रेड का होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील ग्रेड। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ परचेज मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है,
जो भी फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स, फूड एडिटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी परचेज की जाती हैं चीज़ें, उनकी मैनेजमेंट कैसे, उनकी वेयर हाउसिंग, उनके लिए फिफो का प्रिंसिपल अडॉप्ट करना है, फिफो की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक MRDs को डिस्प्ले करना है, फिर उसकी जो शेल्फ लाइफ ऑफ एक्सपायरी है उन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम वजा किया जाएगा, फिर मैनेजमेंट ऑफ सॉरी मेयर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन मीन्स आलूदगी एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे स्प्रेड होती है, उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि क्रॉस कंटेमिनेशन से कैसे अवॉइड करना है, हर चीज़ जो भी रॉ मटेरियल रिसीव हो रहा है उसके लिए लंग स्टेशन होगा, जो चीज़ प्रिपेयर्ड और प्रोसेस्ड आइटम्स हैं उनको रॉ मटेरियल से सेपरेट रखना है, लाइक कटिंग बोर्ड्स होंगे, कटिंग नाइव्स हैं, वर्कर्स उनके हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, हर चीज़ को अपने प्रॉपरली एज पर स्टैंडर्ड एज पर SOPs लेके चलना है। एलर्जन मैनेजमेंट में देखा जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन की जा रही है, किस पर्पज़ के लिए प्रोसेस की जा रही है, आइदर इन्फेंट फार्मूला है जो है वो बेबीज फार्मूला है, या उसके अलावा कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं लाइक फॉर ओबीज पीपल, लाइक फॉर द पर्सन हु आर डायबेटिक, या इस तरह की और कैटेगरीज, न्यूट्रास्यूटिकल आर्टिकल है या व्हाटसोएवर, ठीक है। फिर क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन है, क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम है, पेस्ट कंट्रोल में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू सारी चीज़ों को जो पेस्ट हैं जितने भी वहाँ पे खतरे का बायस बन सकते हैं, फूड सेफ्टी हैजर्ड्स का बायस बन सकते हैं, उनको मैनेज करना है। देन प्रिवेंटिंग एक्सेस, अब पेस्ट कंट्रोल और प्रिवेंटिंग एक्सेस में